नमस्कार, ढाका न्यूज के इस ताजा तरीन एपिसोड में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ढाका न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ नेटवर्क, से धर्मेंद्र ढाका के साथ। ये देखिए, जो पीछे आप मेरी लाइन देख रहे हैं, इतनी लंबी लाइन है, कोई भंडारे की लाइन नहीं है, ये वड़ा पाव खाने वाली की लाइन है। जैसा कि आप समझ गए कि जो दिल्ली में बकचोदी चल रही है वड़ा पाव की, तो वही हम यहाँ पे आए हैं। और ये वड़ा पाव फ्री में नहीं, बल्कि मतलब पैसा दे के भेजो, नहीं इतना लाइन में लग के खा रहा है। और ये सब शुरू हुआ फूड ब्लॉगर से। किसी भी कार्ट पे जाएगा, थोड़ा सा संडी रोना करके उसको वायरल कर देगा, फिर और जनता तो है चुप गया वहाँ पे, लग जाएगा इस तरह का लाइन, अपना काम उमधाम छोड़ के जनता यहाँ पे आ जाएगा वड़ा पाव खाने। तो ये देख सकते, मतलब आखिर ऐसा देख क्या रही है वड़ा पाव में कि लोग इस तरह से लाइन में लगे हैं। हेलो भाई साहब, क्या नाम है, क्या कहाँ से आए हो? लड़सुख नगर से। लड़सुख नगर से आए हो, तो यहाँ पे वड़ा पाव खाने आए हो? नहीं, हम तो इनको देखने आए हैं। वीडियो में तो खूबसूरत दिखती हैं। अच्छा, सामने से कैसा दिखता? अच्छा, मतलब लड़की को देखने आ गए ना। एक नंबर का साला छिनार आदमी है, मतलब लेकिन ऑनेस्ट भी आदमी है, ये तो हम बोलेंगे ऑनेस्ट भी है, क्योंकि आधा आदमी जो यहाँ पे लगा है लाइन में, लड़की को ही देखने आया है वड़ा पाव, मतलब लड़की को देखने जबरदस्ती में खा जा रहा है भैंसो वड़ा पाव। तो मतलब ये ऑनेस्ट तो आदमी था, इसी चक्कर में आया। तो यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। हेलो भाई साहब, ये देखो कितनी प्यारी बच्ची है, ये भी खाएगी। हेलो भाई साहब, कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से। मुंबई से आए हैं, तो मुंबई में आदमी बढ़िया वड़ा पाव नहीं बना पा रहा है क्या? नहीं, ये थोड़ा वायरल है तो इसलिए आए हैं कि टेस्ट करके देखते हैं। वायरल है तो टेस्ट करने आ गए ना। तो मुंबई में आपका लोकल भी वड़ा पाव होगा, और वड़ा पाव की शुरुआत भी वहाँ से हुई थी, तो क्या मतलब लोकल दुकान में आप इस तरह से लगे लाइन में? नहीं, वहाँ तो कभी ऐसा नहीं, नहीं लगे ना, यहाँ लग गए। ये देखिए फूड ब्लॉगर भाई, मतलब इतना बढ़िया बढ़िया आदमी को लगवा देगा लाइन में कि लाइन में लगो और खाओ वहाँ पे वड़ा पाओ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और भी व्यक्ति हैं, इनसे बात करेंगे। हेलो, आप यहाँ पे क्या करने, क्यों लाइन में लगे हैं आप? मुझे दीदी का टेस्ट करना है। दीदी का टेस्ट करना है? कौन सी टेस्ट करना है? वड़ा पाओ। दीदी का वड़ा पाओ टेस्ट करने के लिए? कौन सी लड़ रहा है जी? लड़ क्यों रहा है, लड़ क्यों रहा है? अरे सर, हम लाइन में लगे हुए हैं, चिपक रहा है हमसे, मार देंगे इसको। पीछे से चिपक रहा है। तो ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो लाइन में यहाँ पे लगे हुए लोग हैं, वो पीछे से जो अप्राकृतिक यौनाचार करने की भी कोशिश हो रही है लोगों के साथ। इसको सीधा सीधा शब्द में कहे तो मतलब लाइन में लगे हुए लोगों की गांड मारने की कोशिश भी हो रही है। मतलब इसको सीधा सीधा बोले तो हम शुद्ध हिंदी में बोले अप्राकृतिक यौनाचार। तो तुम यहाँ कहा गांड लेने, वड़ा पाव लेने आए हो जी, क्या करना है यहाँ पे? मैं यहाँ पे कल भी आया था। अच्छा, आज हमारा पेट खराब है, फिर भी हम दीदी के सपोर्ट के लिए आए हैं। तो पेट खराब है लेकिन वड़ा पाव यहाँ पे खाने आए हो ना? हाँ। मतलब हगते हते पिछवाड़ा ढीला हो जाए लेकिन दीदी को सपोर्ट करेंगे। हाँ, हाँ, सपोर्ट करेंगे। ये देखिए, इस तरह के लोग भी है यहाँ पे जो इस तरह का वड़ा पाव खा लिए। चल के देखते हैं कि दीदी का जो वड़ा पाव है उसमें मतलब क्या है, थोड़ा सा साइड में होइएगा। ये देखिए, यहाँ पे कैमरा साला फूड फूड ब्लॉगिंग करेगा रे भाई, यहाँ पे आइए। तो ये देखिए दीदी, जो वड़ा पाव वाली यहाँ पे लड़की है, जो दीदी है, यही काउंटर है। क्या सोचेंगे कि दीदी के अंदर एटीट्यूड आ गया है? ऐसा नहीं होता। नहीं भैया, पैकिंग तो बंद है। हेलो हेलो, आपका क्या, हेलो एक मिनट, नाम क्या है आपका मैडम, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सूरजमुखी कुमारी है। अच्छा। लेकिन अब मैं वड़ा पाव गर्ल के नाम से फेमस हो गई। अच्छा अच्छा, तो कब से कार्ट लगा रही है यहाँ पे? एक ही महीना हुआ है अभी कार्ट को लगाए हुए, लेकिन अच्छा। आप देखिए, बहुत स्ट्रगल है यहाँ पे ना, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रखा है यहाँ पे। लोग कहते हैं कि दीदी आप लोग शांत रहिए ना, मैं बात कर रही हूँ एक मिनट के लिए। लोग कहते हैं कि दीदी अब, हाँ ठीक, लोग कहते हैं कि दीदी जो है ना वो एक एक महीने में 5 लाख रुपए कमाती है और दीदी कोठी लेगी। अब आप लोग बताइए, आप लोग लाइन में लगिए, वड़ा पाव खाइए, एक कोठी क्या, मैं दो दो कोठी लूंगी। ये देखिए इस तरह का, तो मतलब आप यहाँ पे अपनी मेहनत से हुआ, मैं किसी का नहीं खाता, अपनी मेहनत। यहाँ पे आप वड़ा पाव बेचती है तो कोई दिक्कत भी होता है आपको? बहुत दिक्कत होती है। अब आप देखिए ना, इतनी दिक्कत होती है, कभी एमसीडी वाले दुखी करते हैं मुझे, कभी दिल्ली पुलिस वाले दुखी करते हैं। आप लोग चिल्लाइए मत, एक तो आप लोग लाइन में। मैडम देखिए, जैसे जैसे इतनी आपकी सेल है, आप एक दुकान खोल के मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, सरकार को टैक्स देके, एफएसएसआई का लाइसेंस लेके, मतलब रोड पे आपने गैस वैस भी रखा, तो यहाँ हादसा भी तो हो सकता है। इतना स्ट्रगल है ना यहाँ पे। दीदी हमें दे दो यार, उस टाइम से खड़े हैं ये लोग, 2 घंटे हो गए। आप यूट्यूबर हो ना, आप अपना माइक लो। नहीं लो, नहीं रख लो, सबका नुकसान हो जाएगा, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, लाइन में आइए आप। दीदी लाइन में लगे हुए हम। हाँ तो लाइन में आइए, 2 घंटे हो गए दीदी। नहीं भैया, 2 घंटे से लोग लाइन में लगे हुए। ये लो मेरे को। अच्छा, एक बात बताइए, मतलब आप दुकान क्यों नहीं ले रही हैं? आप दुकान भी तो ले सकती हैं मैडम, दुकान आप ले लीजिए, प्रॉपर अच्छे से कीजिए। फिर वहाँ पर फूड ब्लॉगर नहीं आएंगे ना, और फिर इतनी भीड़ भी नहीं होगी, जितने भी लोग फेमस हुए हैं उन लोगों का हाल तो आपने देखा ही है। और इतना बकचोदी भी तो नहीं कर पाएंगे वहाँ पे, जो यहाँ पे बकचोदी होती है इनकी। तो एक बार हमें टेस्ट करवाइए मैडम, एक बार टेस्ट करवाइए हमें। देखिए जो दीदी का जो है, दीदी का हम टेस्ट करके देखेंगे वड़ा पाव की, मतलब किस तरह से है, जो इतना वायरल है, लोग पागल है लाइन में लग रहे हैं इतनी धूप में, तो क्या खास है इसकी जानकारी हम लेंगे, एक बार खा के देखेंगे। चिल्लाओ मत आप लोग प्लीज यहाँ पे। मेरा तो एक भी नहीं आया। 2 घंटे से लाइन में, दीदी 2 घंटे हो गए मुझे। 4 घंटे हो जाते हैं यहाँ पे लाइन में लगे हुए। हमें क्यों खड़ा कर रखा है पहले, इतनी देर हो गई है, 1 घंटे खड़े यहाँ पर। देखिए बहुत, हमको भी थोड़ा टेस्ट,
हमको भी टेस्ट करना है। मैं आप लोगों के लिए ही खड़ी हूँ यहाँ पे, आपको पता है मैं इतना स्ट्रगल करती हूँ ना, सुबह उठ जाती हूँ 4 बजे, मसाले अपने हाथों से तैयार करती हूँ, इतना स्ट्रगल करती हूँ मैं ना, और आप लोगों के लिए मैं हमेशा स्ट्रगल करती ही रहूंगी। ठीक है, वो सब ठीक है, खिलाइए गो, खिलाइए मैडम, खिलाइए गो, हम भी देखिए खा के देखते हैं, खिलाइए मैडम। देखिए आप ये लोग क्या करते हैं, देखो मेरे साथ, देखिए इतना स्ट्रगल करती हूँ ना मैं यहाँ पे खड़े होके, ठीक है खिला दीजिए गो। दे दो दीदी, दीदी इतनी देर से खड़ा हूं मैं, फिर आप लोग चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर, दीदी बहुत देर हो गई, हाथ जोड़ के भी मैडम इतना स्ट्रगल हो गया है मेरे साथ ना बहुत ज्यादा। अरे वो मत खिलाओ, इतना देर से स्ट्रगल खिलाओ, काम 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 काम, तब से यार देख रहे लाइन में, दो इधर लाइन में लगे खाली काम 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 काम, ये तो इतना गर्मी में पट्टी पानी इसका दिमाग काम करेगा भाई, भाई यहाँ पर बचपन सब चिल्ला रहे भाई, चलो भाई जो पागल उगल है कहा जी, देखो जानता भी है, देखो एक बात क्लियर है कि थोड़ा से चलो जी लाइन में उधर, चलो 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 आओ इधर कैमरामैन, आओ आओ जाओ जाओ जाओ, तो एक बात आपको बता दे कि यहाँ पे आपको वड़ा पाव तो मिलेगा, लेकिन वड़ा पाव से पहले ढेर सारी बकचोदी आपको मिलेगी, तो एक बार टेस्ट करके देखते हैं जी। मास्क के साथ कैसे काम है जो, अरे गया एवरेज है जी, मतलब उतना कुछ ठीक नहीं है, मिचाई उचाई ज्यादा गुड़ के डाल दी है, एवरेज है, उतना मतलब बढ़िया नहीं है, इसके लिए मुझे अपना खैनी फेंकना पड़ा जो कि वर्थ नहीं था, तो अब खैनी बचा के रखी है। और एक एक चीज और दिखाइए, देखिए वहाँ पे लव वड़ा पाव, मतलब दीदी का जो काट है, दीदी का काट दिखाइए यहाँ पे, दीदी का काट के देखिए, जस्ट सामने एक व्यक्ति ने अपना लगाया है, एक मिनट आइए उससे भी बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे आइए, ये देखिए इनका भी एक वड़ा पाव है, अच्छा ये देखिए, ये तो पहले फेंक देते हैं, ये देखिए यहाँ लव वड़ा पाव, इसको वह को थोड़ा सा हटा दे तो ये लवड़ा पाव हो जाएगा जी यहाँ पे, तो एक एक दिया, ये भी अपना बिजनेस किया है, जस्ट दीदी के सामने लगाया है, तो आइए इनसे हम बातें करेंगे। हेलो भाई साहब, दीदी के जस्ट सामने आपने वड़ा पाव लगाया है, तो मतलब आप दीदी का कंपटीशन है क्या, दीदी को कंपटीशन देने आ गए आप इस लाइन में? कंपटीशन कहाँ देंगे, हम देखे कि वो कस्टमर की डिमांड पूरी नहीं कर पा रही है, अच्छा इसलिए हम आ गए हैं। अच्छा मतलब वो कंपटीशन ही, कस्टमर की डिमांड वो पूरी नहीं कर पा रहे ना, तो अच्छा एक बात आप बताइए कि इससे पहले आप कहाँ पे लगाते थे? कॉलेज के सामने लगाते थे, कॉलेज के सामने, पर वहाँ यूट्यूबर नहीं आते थे, अच्छा ग्राहक भी ज्यादा नहीं आते थे, इसलिए आप आ गए हैं यहाँ, जिनको दीदी नहीं दे पाएंगी उन्हें हम देंगे, जिनको दीदी नहीं दे पाएंगे उन्हें ये देंगे, तो आप दीदी का नहीं टेस्ट कर पाए तो आप भैया का भी टेस्ट कर सकते हैं वड़ा पाव, एक बार हमें दिखाइए, एक बार बना के दीजिए, आपका भी टेस्ट करेंगे फिर हम रिव्यू देंगे, जो फूड ब्लॉगर के बाद, फूड ब्लॉगर के हम क्या करे हो, हमारा लग रहा है कि फूड ब्लॉगिंग का बेताज बादशाह बन गए एकदम, देखिए एकदम, ये देखिए भैया ने चटनी डाला है, हाँ हाँ, और ये वड़ा डाल दिया जी, ऊपर से वो चटनी डाला है, तो देखिए हम टेस्ट करके बताएंगे कि दोनों में से बेटर कौन है, किसका ठीक है, ये कक्ष बना दी हो जी, कैमरा देख के पगला जाते हो, ये देखिए ये दिया है वड़ा पाव, ये देखिए ये लग रहा कि दू को गधा का आड़ दे दिया है, ये बंद भी नहीं हो पाएगा, इसको आदमी खाए कैसे, कोची दिया हो रहा है, ये तो सच में लवड़ा पाव बना दिया जी, इसको कैसे खाई, बंद करे कैसे बंद होगा, दू को क्यों लगा हो इसमें, मतलब ये देखिए मैं समझ सकता हूँ, मतलब इनका जो है वो समझ सकता हूँ कि एक वायरल हो गई दीदी वहाँ पे, उसके बाद फिर ये सोचे कि आए हम बेच देंगे कुछ भी लौड़ा लहसुन लोग खा ही लेगा है, तो मतलब ये बताओ कि इस तरह का जो तुम बेच रहे हो कुछ कमा पा रहे हो, इस कमा पा रहे हो कि नहीं? ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, पर हाँ पहले जहाँ लगाते थे वहाँ से ठीक है, वहाँ से ठीक है, तो कितना कमा पा रहे हो तुम अभी? तो सिर्फ 8,000 रुपया हुआ है, सिर्फ 8,000 हुआ है, अभी 4 घंटे में 8,000 कमा लिए? हाँ सिर्फ 8,000, इतना तो हम रिपोर्टिंग करके नहीं कमा पा रहे हैं यार, 4 घंटा में 8,000 रुपया कमा लिया, यानी महीने का 38,24, 2,40,000 महीने का कमाए बे, एकदम देखे जरा की देख सकते हैं, देखिए हम लोग ने भी एकदम खोल दिया साला, एकदम वड़ा पाव का ठेला लगा दिया, एकदम जबरदस्त बेचेंगे, और हमारे साथ देखिए बरमुंडा का जो फुफेरी बहन भी है हमारे साथ, क्योंकि लड़की का रखना जरूरी होता है, एकदम खाओ एकदम जबरदस्त है, बहुत बढ़िया, देखिए हमारे साथ ही बरमुंडा का जो है फुफेरी बहन है, जो क्योंकि लड़की एक रखना पड़ता है, कुछ भी खोलिए तो तब ना आदमी आके देखेगा जी, एकदम अति है, और देखिए ऐसे हम लोग का ठेला उला नहीं चलाते, मतलब MMS भी बनाने का जो सिस्टम है ना वो भी हम लोग रखे, एकदम जो डायलॉग है तुम्हारी टोई ऊपर क्यों है, ये सब भी रेडी रखे एकदम, एकदम पूरा वायरल हो जाना बहन चोद, एकदम अरे भाई क्या हुआ रे, ए गिर कैसे गया जी, हाँ कैसे गिर गया रे, ये वड़ा पाव खाई खाई गिर गया जी, इसमें तो सब ठीक है यार, ये चटनी कैसे बनाई थी, कोची डाली हुई चटनी में, होली बैंग, होली बैंग, और भांग पीस के चटनी में,
पहचो गांजा भांग पीस के चटनी तुम बना दी यार। अरे यार ये पुदीना तो यहाँ रख ले, तुम गांजा कहले पीस दी यार। अरे बच्चों पूरा सबके उठा के ठीक हो, संग्राम को फाड़ दिया तुम सबके, तुमको बोले थे ना कि सम्मत।